गरुड़ पुराण एक ऐसा पुराण जिसका चमत्कार और रहस्य बहुत ही कम मनुष्य को आज पता है। भारतीय सनातन धर्म में गरुड़ पुराण का बहुत ही महत्व है, पर मुगलों के आक्रमण और शासन के समय हमारी बहुत सी धार्मिक पुस्तकों का दुष्प्रचार किया गया। पर वह कहते हैं ना कि बादलों के ढकने से सूर्य सदा के लिए कभी नहीं छिपता। आज के समय फिर से धीरे धीरे हिंदू धर्म सनातन संस्कृति हमारे वेद पुराण हमारे तीर्थ मंदिर के बारे में सभी मनुष्य जागरूक होते जा रहे हैं। आज हम आपको साथियों गरुड़ पुराण के विषय में बताने जा रहे हैं, जिसे जानकर आपके जीवन में सभी द्वंद सभी क्लेश सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। मनुष्य मरकर कहां जाता है, उसका क्या होता है, मरने के बाद उसकी यात्रा कैसी होती है, पितृपक्ष क्या होते हैं, इन सभी के बारे में आज आपको संपूर्ण जानकारी गरुड़ पुराण के द्वारा बताने जा रहे हैं। 18 पुराणों में गरुड़ महापुराण का अपना एक विशेष महत्व है। इसके देव भगवान विष्णु हैं, अतः यह वैष्णव पुराण है। गरुड़ पुराण में विष्णु भक्ति का विस्तार से वर्णन है। भगवान विष्णु के 24 अवतारों का वर्णन ठीक उसी प्रकार यहाँ प्राप्त होता है जिस प्रकार श्रीमद् भागवत में उपलब्ध होता है। आरंभ में मनु से सृष्टि की उत्पत्ति, ध्रुव चरित्र और 12 आदित्यों की कथा प्राप्त होती है। उसके उपरांत सूर्य और चंद्र ग्रहों के मंत्र, शिव पार्वती मंत्र, इंद्र से संबंधित मंत्र, सरस्वती के मंत्र और 9 शक्तियों के विषय में विस्तार से बताया गया है। इसके अतिरिक्त इस पुराण में श्राद्ध तर्पण, मुक्ति के उपायों तथा जीव की गति का विस्तृत वर्णन मिलता है। हिंदू धर्म के प्रमुख ग्रंथों में गरुड़ पुराण का एक विशिष्ट स्थान है। इस पुराण के देव भगवान विष्णु हैं, इसलिए यह विष्णु पुराण भी कहा जाता है। इसमें भगवान विष्णु और पक्षीराज गरुड़ के मध्य हुआ संवाद वर्णित है। बाद में गरुड़ के द्वारा यह ऋषि कश्यप को सुनाया गया, जिन्होंने इसे संकलित किया। इसमें लगभग 19,000 श्लोकों का संग्रह है, जिन्हें 2 भाग पूर्व खंड उत्तर खंड में विभाजित किया गया है। इस पुराण को सात्विक पुराण की श्रेणी में रख गया है। समय के साथ इसमें कई संशोधन हुए और जो नवीनतम संस्मरण आज उपलब्ध है उसे ऋषि वेद व्यास द्वारा संशोधित किया गया था। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु के विभिन्न अवतारों, ब्रह्मांड की उत्पत्ति व भौगोलिक संरचना, सृष्टि व देवी देवताओं की वंशावली आदि के बारे में बताया गया है, परंतु मुख्य रूप से मृत्यु के बाद आत्मा की दशा का वर्णन है। इसके साथ विभिन्न प्रकार की तप तपस्या, पूजन विधि विधान, पापों के प्रायश्चित एवं दिव्य व पवित्र मंत्रों के बारे में विस्तार से बताया गया है। धर्मशास्त्र व धर्म नीति, ज्योतिष शास्त्र, पतिव्रत, धर्म महत्व, अष्टांग योग, आत्मा शुद्धि आदि का उल्लेख मिलता है। गरुड़ पुराण की विशिष्टता इस तथ्य में है कि केवल इस पवित्र पुराण में मृत्यु के बाद आत्मा की स्थिति, पाप पुण्य के अनुसार आत्मा की दशा व पुनर्जन्म के बारे में वर्णन मिलता है। इस पुराण में यमलोक, नरकलोक, प्रेतलोक व प्रेत योनि का विवरण भी स्पष्ट रूप से किया गया है। इसमें आत्मा के जन्म मरण के बंधन, कर्म सिद्धांत, कर्म फल व अशुभ कर्म या पाप के दंड का विस्तृत उल्लेख है। इसमें अंतिम संस्कार की विधि व मृत्यु के उपरांत 1 वर्ष तक किए जाने वाले विभिन्न अनुष्ठा, नवदान दक्षिणा के फल का वर्णन भी है। गरुड़ पुराण में मृत्यु देव यमराज द्वारा मनुष्य को अशुभ कर्म या पाप के लिए दिए जाने वाले भयंकर, कष्टदायक व पीड़ायुक्त दंड का विवरण विस्तार से है। इसमें वर्णित है कि नरक लोक में पापी मनुष्य को एक क्षण मात्र के लिए भी दुख से राहत नहीं मिलती है। वहां की तपती धरती पर पैर रखते ही जल जाते हैं। पेड़ों के पत्ते किसी तलवार की तरह शरीर को छिन्न भिन्न कर देते हैं। अत्यधिक भूख प्यास लगने पर भी न तो अन्न का एक दाना मिलता है और न ही पानी की एक बूंद उपलब्ध होती है। अपने सुख के लिए जीव जंतुओं पर अत्याचार करने वालों को गर्म तेल में तला जाता है। इस प्रकार अलग अलग पापों के लिए निर्धारित दंडों का वर्णन किया गया है। हिंदू परंपरा के अनुसार परिवार के किसी सदस्य की मृत्यु के उपरांत 13 दिनों तक गरुड़ पुराण का वाचन करना बताया गया है। मान्यता है कि इसे पढ़ने व सुनने वालों को असीम पुण्यार्जन होता व दिवंगत आत्मा को शांति व मुक्ति प्राप्त होती है। सभी प्रकार के पापों से मुक्ति मिलती है तथा इस जन्म अगले जन्म में सुख की प्राप्ति होती है। माना जाता है कि गरुड़ पुराण के अध्ययन से मोक्ष, धन, वैभव, संतान, सुख आदि की प्राप्ति होती है। पितरों के लिए श्रद्धा से किए गए मुक्ति कर्म को श्राद्ध कहते हैं तथा तृप्त करने की क्रिया और देवताओं, ऋषियों या पितरों को तंडुल या तिल मिश्रित जल अर्पित करने की क्रिया को तर्पण कहते हैं। तर्पण करना ही पिंडदान करना है।
श्राद्ध पक्ष का महात्म्य उत्तर व उत्तर पूर्व भारत में ज्यादा है। तमिलनाडु में आदि अमावसाई, केरल में करिकड़ा बाबुबली और महाराष्ट्र में इसे पितृ पंधरवड़ा नाम से जानते हैं और बाकी समस्त भारत में इन्हें पितृपक्ष या श्राद्ध भी कहा जाता है। यह श्राद्ध तर्पण हमारे पूर्वजों, माता पिता और आचार्य के प्रति सम्मान का भाव है। इसी से पितृ ऋण भी चुकता होता है। गरुड़ पुराण के अनुसार श्रद्धा युक्त होकर श्राद्ध कर्म करने से पितृगण ही तृप्त नहीं होते, अपितु ब्रह्मा, इंद्र, रुद्र, दोनों अश्विनी कुमार, सूर्य, अग्नि, अष्टवसु, वायु, विश्वेदेव, ऋषि, मनुष्य, पशु पक्षी और सरीसृप आदि समस्त भूत प्राणी भी तृप्त होते हैं। संतुष्ट होकर पितृ मनुष्यों के लिए आयु, पुत्र, यश, स्वर्ग, कीर्ति, पुष्टि, बल, वैभव, पशु, सुख, धन और धान्य देते हैं। व्यक्ति जब देह छोड़ता है तो जागृत, स्वप्न, सुसुप्ति की स्थिति अनुसार 3 दिन के भीतर वह पितृलोक चला जाता है। इसीलिए तीज मनाई जाती है। कुछ आत्माएं 13 दिन में पितृलोक चली जाती हैं, इसीलिए त्रयोदशा कर्म किया जाता है और कुछ सवा माह अर्थात 37 या 40वें दिन, फिर 1 वर्ष पश्चात तर्पण किया जाता है। पितृलोक के बाद उन्हें पुण्य धरती पर कर्मानुसार जन्म मिलता है या वे ध्यान मार्गी रही हैं तो वे जन्म मरण के चक्र से मुक्त हो जाती हैं। हमारे जो पूर्वज पितृलोक नहीं जा सके या जिन्हें दोबारा जन्म नहीं मिला, ऐसी अतृप्त और आसक्त भाव में लिप्त आत्माओं के लिए अंतिम बार 1 वर्ष पश्चात गया में मुक्ति तृप्ति का कर्म तर्पण और पिंडदान किया जाता है। गया के अतिरिक्त और कहीं भी यह कर्म नहीं होता है। उक्त स्थान का विशेष वैज्ञानिक महत्व है। गरुड़ पुराण के विषय में अक्सर यह कहा गया, भ्रांतियां फैलाई गई कि गरुड़ पुराण का जीवित व्यक्ति को पाठ नहीं करना चाहिए, लेकिन इसे पढ़ने से बहुत क्लेश होते हैं, इस घर में रखने से मृत्यु हो जाती है। ये सभी बातें पूरी तरह निरर्थक है। सच तो यह है, गरुड़ पुराण का पाठ करने वाला मनुष्य सुख, धन धनी परिवार, संतान, पितृ ऋषि देव आदि सभी गरुड़ पुराण का पाठ सुनकर बहुत प्रसन्न होते हैं और पाठ करने वाले मनुष्य को सदा सदा के लिए धन वैभव, संतान, स्वस्थ शरीर आदि का आशीर्वाद देते हैं। गरुड़ पुराण में बताया गया, श्राद्ध के दिन व्यक्ति ब्राह्मण को सात्विक भोजन खिलाए और मृतक को जो पसंद था अपनी समर्थ अनुसार ब्राह्मण को इस वस्तु का दान करना चाहिए। जैसे हम रामायण, गीता, वेदों का पाठ अपने घर में कर सकते हैं, उसी प्रकार गरुड़ पुराण का पाठ भी हम अपने घर में नित्य प्रति कर सकते हैं। इससे हमारे जीवन में सभी दुख, सभी क्लेश, सभी मुश्किलें, सभी परेशानियां सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। गरुड़ पुराण हमें बताती है कि गलत कर्म करने से मृत्यु के पश्चात उसे व्यक्ति को घोर नरक में यातनाएं सहनी पड़ती है। उसे उबलते हुए तेल में तला जाता है। उस पापी मनुष्य के शरीर में गर्म लोहे के भले तलवार आदि से उसके शरीर को दंड दिया जाता है और वही जो मनुष्य अपने जीवन में अच्छा काम करते हैं, भगवान का भजन ध्यान करते हैं, तीर्थ दान सच आदि करते हैं, वह सीधे स्वर्ग में जाते हैं जहां पर उनका सत्कार बहुत ही आदर पूर्वक किया जाता है। पुण्य आत्मा को दूध से नहलाया जाता है। उसे खाने में 56 भोग का प्रसाद मिलता है। उसे मखमली बिस्तरों पर सुलाया जाता है। उसे पुण्य आत्मा को हर सुख सुविधा स्वर्ग लोक में प्रदान की जाती है। गरुड़ पुराण हमें यह बताती है कि हर मनुष्य को अपने जीवन में पुण्य कर्म दान, तीर्थ, नाम जाप, अच्छा आचरण अवश्य ही करना चाहिए ताकि हम यमलोक नरक की आत्माओं से बच सके मरने के बाद। साथियों, गरुड़ पुराण सुनने मात्र से ही हमारे जीवन से मृत्यु का भय सदा सदा के लिए निकल जाता है। अगर हमें अपने जीवन में सफलता, सुख, समृद्धि चाहिए तो हमें अपने पितरों का, अपने माता पिता का खूब श्रद्धा भाव से पूजा पाठ करना चाहिए। जिस परिवार के पूर्वज अर्थात पितृ तृप्ति है, खुश है, उसे परिवार में कभी कोई विपत्ति, कभी कोई दुख नहीं आएगा। गरुड़ पुराण में भगवान विष्णु जी गरुड़ जी से कहते हैं, हे गरुड़ जी, जो इस गरुड़ पुराण का पाठ स्वयं अथवा ब्राह्मण से करवाता है, मैं उसके जीवन में धन संपदा, लक्ष्मी, यश सभी प्रदान कर देता हूँ। कहां भी जाता है साथियों, जिसके पितृ सुखी उसका जीवन सुखी। जय हो पितृ देवा, करूं मैं तेरी सेवा। पितृपक्ष भाद्रपद मास की पूर्णिमा से शुरू होते हैं और अश्विन मास की अमावस्या तक चलते हैं। जिस तिथि पर परिवार का सदस्य की मृत्यु हुई है, उसी तिथि पर पितृपक्ष में उनका श्राद्ध किया जाता है। अगर किसी को अपने पूर्वजों की मृत्यु तिथि बारे में जान नहीं है तो वह मनुष्य अमावस्या के दिन अपने पिता का, अपने पूर्वजों का श्राद्ध कर सकता है। गरुड़ पुराण के अनुसार पितृपक्ष मनुष्य के जीवन में एक ऐसा अवसर है। अगर इन दिनों में मनुष्य अपने पितरों के नाम पर खूब दान दक्षिणा करें,
खूब भगवान का नाम जाप संकीर्तन करें तो निश्चित ही उस मनुष्य के जीवन में वह सब कुछ आ जाता है जिसके बारे में उसने कल्पना भी नहीं की थी। जिस प्रकार एक वृक्ष की समस्त ताकत उसकी जड़ में होती है, इसी प्रकार मनुष्य के जीवन सुख सफलता ऐश्वर्य हमारे पितरों के आशीर्वाद पर निर्भर करता है। साथियों, आप आज से ही इसको करना शुरू कर दीजिए। इसका पाठ गरुड़ पुराण आपको हर दुख से सदा सदा के लिए दूर कर देगा और आपके जीवन में सुख शांति सफलता आनंद प्रदान कर देगा। हमारे सभी वेद पुराणों में, शास्त्रों में, गीता में जीवन आनंद से जीने का मंत्र छिपा है। हम जितना अपने धर्म, अपने शास्त्रों के नजदीक जाएंगे, उतना ही हमारे जीवन में परेशानियां, दुख कलेश सदा सदा के लिए समाप्त हो जाएंगे। आज जहां मानव परिवार को परिवार नहीं समझता, वही हमारे ग्रंथ, हमारे गरुड़ पुराण हमें अपने पितरों का भी पूजा पाठ करने के लिए बताती है, क्योंकि हमारे पूर्वज जानते थे कि वही व्यक्ति खुशहाल जीवन व्यतीत कर पाएगा जिसके माता पिता पूर्वज मृत्यु के बाद आनंद में है। तो आप गरुड़ पुराण का पाठ नित्य करें, अपने पूर्वजों को सदा याद करें, इससे आपके जीवन में सब मंगल होगा। आपका हमारे इस वीडियो पर अभी तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। पितृ देव आप सभी पर कृपा बनाए रखें। भगवान श्री हरि विष्णु जी के श्री चरणों में आप सभी के मंगल जीवन की प्रार्थना करते हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।